लोग बहुत पूछते हैं भाई पीसीसी के बारे में, पीसीसी कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, एग्रीमेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कतर का वीजा हम लेते हैं तो हमको मेडिकल कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगा, जसीनार है आपका पासपोर्ट नहीं है, उसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वीजा आपको मिलेगा तो किस तरह आप आ जाएंगे, और यहाँ दोहा कतर में अभी इस समय 2023 में क्या क्या रूल चल रहा है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपका दोस्त हफ्ता वाला फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल पे पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वक्त मैं दोहा कतर में हूँ और सिलाई करता हूँ, और मैं बता दूँ कि जो दोहा कतर आना चाहते हैं, जिसका जिसका पासपोर्ट एसिनार है उसको टेंशन नहीं है, पीसीसी नहीं करना पड़ेगा, और जिसका पासपोर्ट एसिनार नहीं है उसको पीसीसी लाजिम कराना पड़ेगा। ये दोहा कतर में एक नया रूल है और ये इंडिया में हो रहा है, आप लोग आराम से एक हफ्ता का प्रोसेस है, एक हफ्ते में हो जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग करा लीजिए। जिसका जिसका वीजा गया है वो अपना पासपोर्ट पीसीसी करवा के उसके बाद ही टिकट लें, बिना पीसीसी कराए अगर आप आएंगे तो एयरपोर्ट पे फंस जाएंगे, आ नहीं पाएंगे। तो बिना पीसीसी कराए आप दोहा कतर में एंट्री नहीं कर सकते, आपको पीसीसी कराना ही पड़ेगा, चाहे कौन सा भी वीजा हो, या ड्राइवरी का हो, या सिलाई का हो, या बिल्डिंग लाइन का हो, या इलेक्ट्रिशियन का हो, या एसी लाइन का हो, यानी कोई भी काम का आपका वीजा है दोहा कतर का अगर आप लिए हैं तो आपको पीसीसी कराना पड़ेगा। अगर आपका पासपोर्ट एसिनार नहीं है तो, अगर पासपोर्ट एसिनार है तो आपको पीसीसी कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका पीसीसी हो गया तो उसके बाद आपका टिकट करा के आप यहाँ पर आ सकते हैं। और वीज़ा कितने दिन में निकलता है, तो वीज़ा मैं बता दूँ कि सबसे पहले अगर जब आप अप्लाई करेंगे वीज़े के लिए तो सबसे पहले आपका मेडिकल निकलता है, और मेडिकल यहीं से निकल रहा है दोहा कतर से, मेडिकल निकलेगा, मेडिकल के बाद जब आप मेडिकल कराने जाएंगे तो मेडिकल में जब आप फिट हो जाएंगे, आपका मेडिकल ओके हो जाएगा, तो एक आपका नंबर पे मैसेज आएगा, एक यहाँ के नंबर पे मैसेज आएगा, तो समझ लीजिए कि अगर 2-3 दिन में आपका मेडिकल निकल जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर आप जाएंगे तो रिपोर्ट जैसे मेडिकल का आपको मिल जाएगा, 2 दिन वो लगेगा, एक दिन मेडिकल का उसी दिन मैसेज आ जाता है, या एक दिन के बाद आता है, तो 2 दिन वो हो गया, यानी ये 5 दिन मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद जब आपका मेडिकल ओके होगा तो उसके बाद यहाँ जो वीज़ा का फीस है वो पे करेंगे, तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो मैक्सिमम मान लीजिए कि 10 से 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं काम पड़ गया, नहीं जा पाया आदमी, यहाँ जो दोहा कतर में वीज़ा निकाल रहा है, तो वही मैक्सिमम 8 से 10 दिन में आपका काम हो जाएगा, आपका वीज़ा निकल जाएगा और आप दोहा कतर में आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोहा कतर के बारे में कुछ भी पूछना है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वक्त मैं दोहा कतर में हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है किसी कंपनी के बारे में या पीसीसी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, और कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।